लॉकडाउन 5.0 में राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया में राज्य सरकार की ओर से बड़ी छूट दी जा रही है। प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बने राजधानी जयपुर के परकोटा इलाके में पिछले दो महीने से महाकर्फ्यू लगा हुआ है। आपको बता दें कि चारदीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है, लेकिन कल से चारदीवारी क्षेत्र में रौनक फिर से देखने को मिली। वहीं चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, घाट गेट सहित रामगंज इलाके में अधिकतर बाजार खोल दिए जाएंगे और इसी के चलते माणक चौक थाने में पुलिस अधिकारियों ने चारदीवारी क्षेत्र के तमाम व्यापार मंडलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और चारदीवारी क्षेत्र में कल खुलने वाली गतिविधियों के बारे में चर्चा की। आपको ये भी हम बता दें कि चारदीवारी क्षेत्र में जो बाजार खुलेंगे उन्हें सरकार की ओर से जारी कोविड-19 की शर्तों का पालन करना होगा। बैठक में चौड़ा रास्ता, जौहरी बाजार, घाट गेट सहित रामगंज इलाके समेत तमाम व्यापार मंडल ने हिस्सा लिया। इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी यादवेंद्र, क्या चर्चा इस बैठक में हुई, किस प्रकार से आगे की व्यवस्थाएं इंतजाम रहेंगे? देखिए मनीषा, बिल्कुल आज सुबह से ही जिस तरीके से कल जो आदेश आए थे, गाइडलाइन जारी की, कल जो लॉकडाउन 5.0 को लेकर के, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी छूट है राजधानी जयपुर शहर के अंदर चार दीवारी के जो बाजार है, जी बिल्कुल, व्यापारी है उनको एक बड़ी छूट यहां पर दी जा रही है। और इसी को लेकर के कल जिस तरीके से बाजार खुलेंगे, इन बाजारों को लेकर के जो यहां पर जयपुर कमिश्नर की ओर से जो अजय पाल लामा है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो लगातार इन व्यापारियों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। माणक चौक थाना पुलिस है, इसके अलावा रामगंज थाना पुलिस है, उनके तमाम जो पुलिस अधिकारी मिलकर, तमाम जो व्यापारी है, जिसमें घाट गेट हुआ, जौहरी बाजार हुआ, चौड़ा रास्ता हुआ, और इसके अलावा जो माणक चौक का कुछ इलाका पड़ता है, रामगंज बाजार का कुछ इलाका पड़ता है, इन सभी व्यापारियों को बुलाया गया और करीब 2 से 2.5-3 घंटे इन व्यापारियों के साथ बैठक के लिए। खास बात यह है कि कोविड-19 को लेकर के जिस तरह की बाजारों को में छूट दी गई है या लॉकडाउन को लेकर के छूट दी गई है, ढील दी गई है, जो निर्देश दिए गए हैं, जो शर्तें निर्धारित की है, जो गाइडलाइन तय की गई है गृह विभाग की ओर से, उन तमाम गाइडलाइनों की यहाँ पर पालना करते हुए इन बाजारों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि चूंकि 15 मई के बाद के अगर आंकड़े अपन देखें तो रामगंज बाजार में चार दीवारी के अंदर महज केवल 24 मरीज ऐसे पाए गए हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ऐसे में रामगंज का करीब 40% ऐसा एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा जो थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने लगातार काम दिखाया, लगातार मेडिकल विभाग की टीम की जो मुस्तैदी रही है, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनकी संख्या में काफी कमी आई है और जो महाकर्फ्यू लगाया गया था उसमें कहीं ना कहीं ढील गई थी। और इसी के चलते एक बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है और ये कहा गया, ये खुशखबरी है यहाँ पर तमाम व्यापारियों के लिए कि जो कल लॉकडाउन खुला है, कल से जो लॉकडाउन खुलने वाला है, जो 5.0 है, जो लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है, इस ढील के अंदर ये एक बड़ी राहत मिली है यहाँ पर तमाम व्यापारियों को, क्योंकि 2 महीने से पूरे जो बाजार है बंद है। तो ऐसे में चौड़ा रास्ता हुआ, जौहरी बाजार हुआ, घाट गेट हुआ, रामगंज का कुछ हिस्सा हुआ, तो ऐसे तमाम बाजारों को खोला जाएगा और इसी से जुड़े हुए तमाम जो व्यापारी थे उनके साथ मीटिंग करते हुए ये कहा गया है कि यहाँ पर जो शर्तें निर्धारित की है उनकी पालना की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके अलावा हर दुकानदार को यहाँ पर जो स्क्रीनिंग के लिए एक जो गन है वो टेम्परेचर गन है वो रखनी होगी, इसके अलावा जरूरत पड़ेगी तो उनको जो उनके जो एम्प्लॉई है उनके लिए यहाँ पर जो पीपी किट है उनको भी साथ में रखना होगा, साथ में मास्क और सैनिटाइजर का यहाँ पर रेगुलर यूज करना पड़ेगा। जो भी यहाँ कस्टमर आएगा तो सोशल डिस्टेंसिंग बना करके दो जो WHO की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर उन मानकों के अनुसार वो लोग खरीदारी कर सकेंगे या किसी भी चीज के लिए आएंगे। एक खास बात यह है कि जो गाइडलाइन तय की है जिसमें 7 बजे तक बाजार खुलेंगे वो उन उस तय मियाद है उस तक ही वो बाजार खुलेंगे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 महीने के बाद एक बड़ी राहत है वो यहाँ पर व्यापारी को मिलेगी। जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि ये बाजार खोले जाएंगे, हालांकि बहुत व्यस्ततम इलाके ये हैं तो एक बड़ी चुनौती होगी यहाँ पर कल से जो व्यवस्थाएं हैं उनको काबू में करना।